पिछले वर्ष भी इस प्रकार का एक प्रदर्शन हुआ है और हमारा इससे पहले भी हमने बोला था कोई लेना देना नहीं है और अभी भी कोई लेना देना नहीं है। और रही बात जहां तक वो अवैध वसूली की है, तो जो भी व्यक्ति अवैध वसूली कर रहा है उस पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। और आज कलेक्टर महोदय से और एसपी महोदय से भी इस विषय में चर्चा हुई है, उसको विषय को संज्ञान में लिया है और ये तय किया जाएगा। और ये तय है कि जो भी हमारे व्यापारी यहाँ पर रेत का काम कर रहे हैं, आज कुछ फुटकर व्यापारी भी आए थे 10:30 बजे, उनसे इस विषय में चर्चा हुई, तो उनको पूरा संरक्षण दिया जाएगा और किसी भी प्रकार का जो अवैध काम चल रहा है, अवैध वसूली चल रही है, निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। इससे बार बार आरोप लगाए गए, बार बार आपका नाम उछलता है। निश्चित तौर पर वो तो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, पर जैसे मैंने पहले कहा कि अपना कोई लेन देन नहीं है। और मैं पुनः कहता हूँ कि जो भी व्यापारी को दिक्कत है या कोई समस्या है तो बताएं, उसका निराकरण अपन करेंगे, बैठे ही जनप्रतिनिधि का काम है ये। तो मैं कह रहा हूँ पिछले वर्ष भी आरोप लगाए थे और फिर काम चला निरंतर, अभी भी फिर आरोप लगाए, काम चलेगा। उनके जो ठेकेदार हैं और जो हाईवे चला रहे हैं उनका क्या दिक्कत है क्या नहीं, वो आज कलेक्टर महोदय से मिले हैं। पर मेरे हाफ पे, मेरे हैंड पे जो भी मदद बन पाएगी, पहले भी उनकी की थी और अभी भी करेंगे, और किसी भी प्रकार की अवैध वसूली या गुंडागर्दी हुई उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं सबसे पहला व्यक्ति रहूंगा जो उस पर कार्रवाई करूँगा। क्या लगता है कि आपका नाम उछालने की कोशिश की जा रही है, पॉलिटिकल मूवमेंट आपको इसके पीछे लगता है क्या? निश्चित तौर पर, क्योंकि आपको पता ही, मैं ज़्यादा इस विषय में बोलता नहीं, पर जो भी लोग इसके पीछे हैं और जो भी लोग इसको करा रहे हैं, वो देर सवेर अभी चुनाव आने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि दमों का चुनाव बड़ा ही ऐतिहासिक चुनाव होगा। अभी बहुत से कार्ड खुलना बाकी है और बहुत से लोग जो अभी छिपे बैठे हैं वो भी बाहर निकलेंगे, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। और रही बात आरोपों की, तो आरोपों की मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस सब चीज़ों में कहीं से कहीं तक लिप्त नहीं हूँ। और जो भी मुझसे बन पड़ेगा, हमारे जो दमों के व्यापारी हैं रेत के, चाहे वो हाईवा वाले हों चाहे वो खुद का व्यापारी हों, उनके साथ मैं खड़ा हूँ। जो चेक पोस्ट लगाए हैं उन पर कहीं भी मध्य प्रदेश शासन नहीं लिखा हुआ है, ये विषय तो ये है कलेक्टर महोदय से इसका आपको चर्चा करना पड़ेगा, और एसपी महोदय से कि किसके कहने पर पोस्ट लगे हैं और क्यों लगे, क्या ये माइनिंग विभाग के पास परमिशन थी या नहीं है, इसकी जानकारी वो देंगे। पर मेरे विषय में यदि संरक्षण की बात है, तो जितने भी अपने व्यापारी उनको पूर्णतः मैं संरक्षण दूंगा, और आज सुबह आए भी थे मेरे पास, उनको मैंने आश्वस्त भी किया और आश्वस्त होकर वो गई थी। पार्टी के अंदर की गतिविधियां हैं या बाहर? ना, पार्टी के अंदर की ना पार्टी के बाहर की, मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ।